वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपको थैंक फॉर आपको मिड टर्म एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी आपको रिवीजन किए हैं, आज के दिन भी आपको किसी तरह आपके क्वेश्चन को आंसर किसी तरह देना है, और मैथ किसी तरह देना है, और फिल इन द ब्लैंक्स किसी तरह लिखना है। इस पर हम आज के दिन देखेंगे विक्टर एग्जाम का। आपको रिविजन क्लास आपको स्टार्ट किए हैं। देखिए, आपको इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर छोड़ गए अक्षरों को क्या करना है, लिखना है। डैश का मामा आया, यहाँ पर डैश का मामा आया। नेक्स्ट, राजा डैश बजा, डैश गाना गा, डैश छाता उठा। यहाँ पर डैश के अंदर आपको आंसर लिखना है। देखिए, डैश का मामा आया, यहाँ पर राजा का मामा आया। आ के अभ्यास आप अच्छी तरह पढ़े तो इसको लिखने आता है, उसी तरह सब लेशन को आप अच्छी तरह पढ़िए, यहाँ पर अच्छी तरह लिखना ही आता है। राजा डैश बजा, राजा क्या बजाना है, बाजा बजाना है। डैश गाना गा, राधा गाना गाना है, राधा को क्या गाना है, गाना गाना है। डैश छाता उठा, छाता मीन्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को कौन सी कलर था, काला, काला मीन्स ब्लैक, काला छाता उठा। इसी तरह छोटे अक्षरों को मैंने किसी तरह लिखना है, यहाँ पर आपको दिखाया। देखिए, डैश का मामा आया, राजा, आंसर राजा का मामा आया, ओनली राजा एक लिखना है। नेक्स्ट, राजा बाजा भजा, डैश में भाजा, इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, डैश गाना गा, राधा, यहाँ पर राधा लिखना है, राधा गाना गा। डैश चाहता उठा, खाला चाहता उठा। इसी तरह आपको आंसर लिखना पड़ता है, आपको अच्छी तरह इसी तरह प्रैक्टिस करना है। मोर देन आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ही इजी होता है लिखने के लिए, बहुत ही इजी आता है। नोड़ी, ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡಿಸಿ ನಾನು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಚಿತ್ರ ಔರ್ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಜೋಡಿಯಾ ಬನಾನಾ ಹೇ. ಆಪ್ಕೋ ಚಿತ್ರ ಭೀ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೇ, ನೀಚೆ ಶಬ್ದ ಭೀ ದಿಖ್ ರಹೇ ಹೇ. ಕಿಸ್ ಶಬ್ದ ಕೋ ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರ ಜುಡಾನಾ ಹೇ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖನಾ ಹೇ. ಆಪ್ಕೋ ಪಹಿಲಾ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಕಾ ಚಿತ್ರ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೇ. ಕಾರ್ ಕಾ ಚಿತ್ರ ಯಹಾಂ ಪರ್, खार, कार शब्द को जुड़ाना है। नेक्स्ट, चाता, चाता को जुड़ाना है। नेक्स्ट, नाक, नाक जुड़ाना है। खान, खान शब्द को जुड़ाना है। फान, फान को जुड़ाना है। इसी तरह चित्र और शब्दों को जोड़ना ही बहुत ही इजी होता है। आपको यही चित्र बहुत ही याद रखना है, और शब्दों को भी ध्यान रखना, आपको टेक्स्ट बुक में है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही इजी होता है। देखिए, किसी तरह मैच करना है, इसी तरह आप मैच करना है। कार, छाता, नाक, खान, फान, इसी तरह आप मैच करने करने के बाद आपको इजी होता है। आपको प्रश्न इसी तरह पूछे तो भी आप मैच कर सकते हैं। आज क्लास में हम दूसरे प्रश्न और उत्तरों, दूसरे और रिक्त स्थान और नए शब्द किसी तरह लिखना, इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। आज के दिन इतना ही बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।